हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7:30 बज रहे हैं, पर काफ़ी यहां पर रोड पर भी रश हुआ हुआ है। तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग में छोड़ने के लिए आया था बड़े बेटे को, और छोटी बेटी की तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पर बड़े बेटे को छोड़ने के लिए आया था, उसकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा ये है कि अब अच्छा ही है, अब स्कूल में जाएंगे तो कुछ अच्छा सीखेंगे ये लोग, क्योंकि घर में तो ये मोबाइल्स, फ़ोन्स, टीवी और ये सारे के सारे गेम ही गेम खेलते रहते थे। अगर जितना भी बोल दो, अब बच्चा 24 घंटे घर में रहेगा तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा। तो इसलिए अब ये स्कूल आए हैं, तो स्कूल आने पर अब ये कुछ सीखेंगे स्कूल में, ओके। और फिर ये भी रहेगा कि 7:30 बजे से मॉर्निंग से 12:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे। तो स्कूल में सीखने के साथ साथ ये थोड़ा इनकी जो आउटडोर एक्टिविटी है, जो पहले इंडोर हो रही थी, मोबाइल्स वगैरह गेम, टीवी जो भी हो रहा था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा आउटडोर गेम्स भी खेल पाएंगे, तो थोड़ा सा इनका फिज़िकल डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस टाइम रोड पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, सारे रोड पर ट्रैफिक हो जाता है, ये पर सारा ट्रैफिक हो गया यहाँ पर, देखिए रोड पर सारा ट्रैफिक हो जाता है। ये पीछे स्कूल की बिल्डिंग है, ये पीछे स्कूल की बिल्डिंग है, सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं सारे के सारे स्कूल में, तो इस टाइम काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। तो ये है कि मैं जल्दी छोड़ने के लिए चले जाता हूँ, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो और बीच में हमें ज़्यादा तेज़ गाड़ी भी ना चलानी पड़े, ओके, क्योंकि इसमें ठीक ही रहता है ज़्यादा तेज़ हम गाड़ी ना चलाएं। तो ये सारे के सारे मैं आपको अगर दिखाऊँ इधर सारे में, ये देखो सब बच्चों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, सब बच्चे, ये देखिए ये सब बच्चे यहाँ पर आए हुए, और अब थोड़ा सा लेट हो गए ये बच्चे, तो और जल्दी जा रहे हैं ये लोग अपना। पर मेरा ये नहीं रहता कि जल्दी जल्दी का, मेरा ये रहता है कि बच्चे को जल्दी छोड़ दो, तो उस वजह से जल्दी ये ना हो कि हमें जल्दी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलानी पड़े, या फिर इस तरीके से, या फिर कोई एक्सीडेंट का खतरा हो। अभी दिन का टाइम है और बच्चों को तो पढ़ा लिया है, उसकी ऑनलाइन क्लास भी होगी अन्वेषा की, और आयन स्कूल से आ गया है, और अब वो शायद मोबाइल वगैरह देख रहा था कुछ टाइम, उसका कल टेस्ट है, तो मैंने उसे टेस्ट का पढ़ने का दिया था, तो टेस्ट की थोड़ी तैयारी कर ली थी, अब मोबाइल देख रहा है, तो मैंने बोला चलो यार थक के आ गया, चल कोई बात नहीं, थोड़े बहुत उन्हें पढ़ाई भी कर ली, और अब तू वो कर ले अपना मोबाइल वगैरह, जो भी इन्जॉय करना है वो कर ले। तो वो अब इन्जॉय कर रहा है, नहीं अब पढ़ाई कर रहा है शायद, हाँ मोबाइल भी देख लिया था उसने, तो अब वो पढ़ाई कर रहा है अपनी। और ये अन्वेषा को देख सकते हो, अन्वेषा तो मोबाइल में ही लगी रहती है, हम जब ध्यान हटता है हमारा, तो ध्यान जब हम हटता है हमारा, तो फिर ये और आयन पे ध्यान रहता है, तो ये अपने मोबाइल में लग जाती है। ये देखो ये मोबाइल कर रही है बदेश है, मोबाइल कर रही है। मोबाइल में क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो मोबाइल में, क्या देख रहे हो बता दो, मोबाइल में क्या देख रहे हो आप? डॉल देख रहे हो, अच्छी लगती है आपको डॉल देखना है? और आपने बहुत दिनों से गाना नहीं सुनाया, कोई गाना सुना दो, सुनाओगे गाना, सुनाओगे कोई गाना, अच्छा सा गाना सुना दो, आपको तो बहुत अच्छे गाने आते हैं, चलो फिर देखना मोबाइल, कोई गाना सुना दो, दिल में अंगाइए सुनाओ, वेरी गुड, तेजी से सुनाओ, दिल का सौदा हुआ दिल में अंगाइए, अच्छा। अभी इसका मूड नहीं है, जब मूड रहता है तब तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से गाने सुनाती है, अभी इसका मूड नहीं है, चलो बात तो कर लो, अगर मूड नहीं है आपका बोल दो, कैसे हो आप बोल दो, बात करो, बात नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी आप, अच्छी आज इसका भी बात करने का मूड नहीं है, तो मुझे भी बाहर जाना था कुछ देर में, मैं भी बाहर निकल रहा हूँ, और चलो आयन को देखते हैं, आयन क्या कर रहा था, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी को देखते हैं, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी शायद नीचे गई भी हैं, मम्मी नीचे गई भी हैं, आयन भी नीचे गया हुआ है, ये है नीचे, मम्मी फ्लावर्स वगैरह देख रही है इधर पीछे, ये हमारे फ्लावर्स देखो, फ्लावर्स हुए हैं, ये फ्लावर्स हुए हैं, और ये मम्मी है, मम्मी काम करवा रही है, और ये मैं बाहर आ गया हूँ,
बाहर डॉगी बैठे हुए हैं, सारे डॉगी बैठे रहते हैं बाहर। डॉगी स्ट्रीट डॉग हैं पर हम इन्हें बड़ा प्यार करते हैं, पर ये भौंकने भी लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और ये देखो ये बाहर की हमारी क्यारियाँ, बाहर की क्यारियाँ, ये बाहर भी थोड़े थोड़े फ्लावर्स लगे हुए हैं, शायद मैंने पहले भी एक दिन आपको दिखाया था। ये फ्लावर्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी मैं इस पार्क में भी आ जाता हूँ, यहाँ पर एक्सरसाइज करने का भी है और आप देख सकते हैं बच्चों के झूले भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मैं बच्चों को भी लेके आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये लोग झूला झूल लेते हैं और वहाँ पर उस साइड में जाके आगे जाके वहाँ पर है एक्सरसाइज करने का, ओपन जिम बनाया हुआ है। ये देखिए आप पीछे भी, ये देखिए स्टैचू वगैरह लगे हैं, ये गांधी पार्क कहलाता है देहरादून का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं, देखिए ट्रीज़ वगैरह काफ़ी पुराने पुराने, और एक यहाँ पर सैंडलवुड ट्री भी है। ओके, सैंडलवुड ट्री है और जो जिसको एक बार कोशिश भी की गई थी उसके वो क्या काट वाट के ले जाने की कोशिश की गई थी, फिर उसके बाद उसकी काफ़ी, मुझे पता नहीं है कौन सा है वो, तो उसमें काफ़ी सिक्योर किया गया उसे। तो यहाँ पर, और देखिए आप यहाँ पर काफ़ी, अगर बंदा आए तो यहाँ पर काफ़ी बेंचेस वगैरह भी लगी हैं, आप देख सकते हैं बेंचेस में बैठे हुए हैं, तो बेंचेस में बैठे बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं अच्छी खासी, और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है, गर्मियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। शाम को मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग और शाम के टाइम यहाँ पर इवनिंग वॉक करते हैं, और दिन में कुछ लोग आते हैं वेट वगैरह करते हैं। तो देखो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे सारे कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, दिन में लेटना या फिर आजकल जैसे विंटर्स में धूप की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग धूप के लिए भी आ जाते हैं। और यहाँ पर ये इस, आप यहाँ पर अगर आपको दिखे तो यहाँ पर ये जॉगिंग करने के लिए है, मॉर्निंग में रनिंग जॉगिंग वगैरह सब लोग इस साइड में करते हैं। और अंदर भी शायद कुछ बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रीज़ काफ़ी हैं, यहाँ पर जितने भी हैं ये काफ़ी ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, ट्रीज पुराने पुराने। मैं वही सैंडलवुड, जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ सैंडलवुड का ट्री देखूँ, पर मुझे दिखता नहीं है वो ट्री वगैरह किस साइड में लगा हुआ है सैंडलवुड का ट्री। और यहाँ पर अंदर भी काफ़ी, ये देखो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर काफ़ी फ्लावर्स वगैरह काफ़ी लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये जिम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको एक रुपया नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जिम है। और जहाँ पर आपको हज़ारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये देखिए सारा का सारा ये जिम है और इसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ओके, तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा शायद वहाँ से, सूरज से लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी, हाँ जी यहाँ से, ये सारे के सारे इक्विपमेंट हैं जिम के। तो पर आजकल थोड़ा सा ये एक डेढ़ साल से बंद है, बट ये किसी अभी कोरोना वगैरह की वजह से बंद है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। देखिए आप सारा का सारा जितना भी यहाँ पर लगे हुए हैं सारे इक्विपमेंट, वन टू ऑल सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो भी महंगे महंगे आप जिम में जाएंगे, जो भी महंगे महंगे जिम में जाएंगे उससे भी अच्छे इक्विपमेंट है। ये देखिए किस टाइप से यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हैं तो सारे के सारे लगे हुए हैं। इक्विपमेंट सब लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें और इवन जो हमें महंगे महंगे जिम में भी नहीं मिलते वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक हमारा गांधी पार्क है और जो बहुत ही बेस्ट है।